तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टोयोटा वेलोस। आज टोयोटा ने अपनी एक मिनी इनोवा हमारे सामने पेश करी है। टोयोटा वेलोस टोयोटा की एक 7 सीटर प्रीमियम MPV कार है। डिटेल में समझेंगे क्या नए नए फीचर्स के साथ आती है, क्या इसका पूरा सेगमेंट है। इस गाड़ी की अगर आप लंबाई को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4.4 मीटर लंबी ये गाड़ी मिलती है। सीधा कंपटीशन देखेंगे तो इंडिया में जो आपको मारुति सुजुकी की XL6 मिलती है, ये गाड़ी उसके साथ कंपीट करती है। लेकिन जो फीचर फ्रंट है, जो प्रीमियम अपील है इस गाड़ी का, वो XL6 से थोड़ा ऊपर मिलेगा। डिज़ाइन फ्रंट देखेंगे क्या कुछ ये गाड़ी आपके साथ दे रही है। डैशबोर्ड फ्रंट देखेंगे, एक प्रॉपर 7 सीटर की तरह इस गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल ऑप्शन ये गाड़ी दे रही है आपको। बूट स्पेस आप देख रहे हैं किस हिसाब से आपको मिलेगा। और डिज़ाइन देखते हैं पहले गाड़ी का। 4.4 मीटर लंबाई है इस गाड़ी की, और अगर आप XL6 से कंपेयर करेंगे तो 30 मिलीमीटर ये गाड़ी ज़्यादा लंबी है XL6 के मुकाबले। उसी के साथ गाड़ी में क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे टोयोटा का बढ़िया सा लोगो, वेलोस की ब्रांडिंग, पीछे आप देखेंगे एक आपको टेल लैम्प मिलता है जो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये इसका आप प्लेटेनियम व्हाइट पर्ल कलर ऑप्शन देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस गाड़ी की एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है जो आपको XL6 में थोड़ा कम मिलता है 180 mm का, इसमें आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। पीछे से तो गाड़ी कहीं ना कहीं लैंड क्रूजर वाला लुक दे रही थी, लेकिन साइड प्रोफाइल से यहाँ पर जो आपको इनोवा हाई क्रॉस मिल रही है ना, उसी के लुक मिल रहे हैं। और बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर इसके लुक को बनाया गया है। फ्रंट प्रोफाइल में आप आएंगे तो यहाँ पर जो वेलोस का अपना एक कैरेक्टर है, जो एंग्री लुक है ना इसका, जो मस्कुलर प्रोफाइल है, वो आप नोटिस करते हैं और बहुत बढ़िया लगती गाड़ी आगे से भी। यहाँ पर देखिए क्या कुछ है। पहले तो ट्रेपेजॉइडल आपको यहाँ पर इसकी पूरी ग्रिल मिलने वाली है जो कि इस प्रकार दिखेगी। आपको टोयोटा का बढ़िया सो लोगो, कोई भी ना इसमें अडास के फंक्शन है नहीं है, वो अंदर चल के बताऊंगा। लेकिन आप देखिए साइड में फॉग लैम्प ऑफ किया गया है, ऑल LED आपको हेडलैम्प्स है, साइड में भी हेडलैम्प्स है। कुछ नीचे देखेंगे तो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। उसके हिसाब से गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है बहुत प्यारा दिया गया है, और साइड प्रोफाइल से ये कुछ आपके सामने गाड़ी आती है। मैंने अभी इसकी लाइट सारी ऑन करी है तो आपको आइडिया लगे कि क्या ये गाड़ी अपने साथ दे रही है। इस चीज़ को ना अलग मार्केट में इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो इसका बोल्ड अपील है ना फ्रंट में, बहुत ही कट्स और क्रीजेस से भरा हुआ डिज़ाइन है इसका और अच्छा लगता है। साइड में आएंगे तो यहाँ पर जो आपको इसमें सारे अलॉय दिए गए वो किस प्रकार दिखते हैं वो आप देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टोयोटा की बढ़िया ब्रांडिंग, उसी के साथ आपको किस तरीके के आपको 205/50 सेक्शन रेडियल 17 इंच की अलॉय है। लेकिन अच्छी बात है कि चारों पहियों में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो आपको फ्यूल टैंक मिलेगा ये 40-45 लीटर के रेंज में रहता है। और गाड़ी का ये कुछ डिज़ाइन है। आज टोयोटा का अपना यहाँ पर पहला इवेंट हुआ है और इन्हें गाड़ी यहाँ पर दिखाई, बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगी। आपको अब सीधे अंदर ले चलता हूँ इसके, और बहुत बढ़िया चीज़ है अंदर भी। अंदर क्या पसंद करने वाली चीज़ है ना, डैशबोर्ड का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। बाहर से हमने गाड़ी देख ली, लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल सही है, और इंडिया के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है। ग्राउंड क्लियरेंस से गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, बहुत ही सही डील बना रहा है इसे। अंदर चलते सीधे, कुछ क्लाइटिंग का पार्ट ये है। यहाँ पर देखेंगे 360 डिग्री कैमरा भी दिख रहा है भाई, जो यहाँ प्लेस किया गया है। यहाँ इसका मॉड्यूल है, ये आप देख रहे हैं, इसका पेडल लैम्प ऑप्शन, ये इसके कुछ टर्न इंडिकेटर है। उसके हिसाब से ही यहाँ पर कुछ जो आपको लेन वॉच फंक्शन है वो दिखाए गए हैं। डोर में अगर देखें तो डोर वेट अच्छा मिलने वाला है आपको, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी अंदर देखेंगे तो ये कुछ इसका अच्छा सा आपको डैशबोर्ड लगेगा। बढ़िया चीज़ है, इस गाड़ी की मैंने वीडियो पहले भी बनाई है, लेकिन यहाँ पर वाइट शेड था और इन्हें कहा कि थोड़े नए फीचर है तो वो भी आप एक्सप्लोर कर लो। मैंने कहा दोबारा बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ हार्ड टच मटेरियल है, ये सॉफ्ट टच दिया गया, ये सेम मिलेगा। कुछ ऐसी फिनिश है और गाड़ी का डोर सिंपल रखा गया है, लेकिन असली कहानी इसके डैशबोर्ड में शुरू हो रही है। बढ़िया डैशबोर्ड है यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सीट्स आपको नॉर्मल मिलेगी, थोड़ा फैब्रिक है, थोड़ा सा लेदरेट का फंक्शन है, कोई भी सनरूफ का ऑप्शन नहीं है, लेकिन 7 लोगों को ले जाने के लिए अच्छी स्पेसिंग यहाँ दी गई है। इस साइड देखेंगे पावर सीटिंग नहीं है, बेसिक सीटिंग मिलेगी। नीचे आप देखेंगे फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है, यानी कि गाड़ी अगर कोई आगे आ जाएगा तो ये सिस्टम उसको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली ब्रेक भी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का सिस्टम, ये इसमें केवल CVT का ऑप्शन दिखाते हैं तो यहाँ पर ये दिखने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे सारा स्टेयरिंग, किस तरीके का स्टेयरिंग मिलेगा। तो यहाँ पर भैया हमने लाइट्स खुली छोड़ दी है, बैटरी खत्म हो रही है तो हमने बंद करा। सबसे पहले देखिए ना, आपको बढ़िया सा डैशबोर्ड इसमें दिखेगा। IRVM नॉर्मल है, यहाँ पर LED सिस्टम दिया गया है। ये आपको लाइटिंग सेटअप मिलेगा पूरा, जो कि नॉर्मल सा आपको मिरर के साथ, लाइट का कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में ये चीज़ है ना, ये बाहर से भी मेरी इसमें नज़र गई थी, ये फ्लोटिंग डिस्प्ले दी गई है 8 इंच की,
उसके साथ ही गाड़ी में टोटल आपको सिर्फ दो ही एयरबैग मिल रहे हैं, साइड में कोई एयरबैग नहीं है। और साथ में यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट टच है, वेलोस की ब्रांडिंग है, इस साइड ये है, सेंटर कंसोल ऐसा मिलेगा, ये चीज आप देखेंगे, थोड़ा सिल्वर फिनिश, थोड़ा सा क्रोम फिनिश, स्टेयरिंग में देखेंगे ये कुछ फंक्शन है, यहाँ पर कुछ और फंक्शन है, कुछ आप देखेंगे सारा 360 डिग्री कैमरा मैनेज करने के लिए। स्टेयरिंग में देखते हैं तो स्टेयरिंग में भैया टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन, ये टोयोटा की खासियत रहती है। ऑटोमेटिक एसी है, नीचे आप देखेंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इस साइड का एयरबैग आप बंद कर सकते हैं, सीवीटी का ऑप्शन, पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड, मैनुअल और स्पोर्ट्स दोनों के ऑप्शन है, पार्किंग मोड है, ऑटो होल्ड का फंक्शन है, हिल स्टार्ट असिस्ट का भी ऑप्शन आता है इसमें जो अर्टिगा मिस आउट करती है। तो ये गाड़ी थोड़ी उससे प्रीमियम है, वायरलेस का ऑप्शन है यहाँ पर, इतना कुछ आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस और एक चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया है। हेडरूम शोल्डरूम में गाड़ी में सब कुछ मिल रहा है। एक नज़र इसके इंजन बे पे ले चलता हूँ, क्योंकि टोयोटा का इंजन और सुजुकी का इंजन कभी भी निराश आपको नहीं करता है। और साथ ही देख लेते हैं इसके इंजन को, क्योंकि टोयोटा और सुजुकी के इंजन ही रहते हैं जो इनकी गाड़ियों को खास बनाते हैं। अभी देखिए लाइट्स ऑफ हो गई, तो इस हिसाब से आपको पूरी लाइटिंग सेटअप इसमें मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखिए क्या चीज़ रहने वाली है। तो इसका ना जब बोनट टूटता है तो ये चीज़ इसके साथ ही आ जाती है, तो ये एक अलग पार्ट है इसका। यहाँ पर एक हुड इंसुलेटर आपको मिलेगा। अब जो टोयोटा यहाँ पर इंजन यूज़ कर रही है सेम वही कैपेसिटी है, 1.5 लीटर का इंजन है, 1500 सीसी का सेगमेंट है, सीसी के मामले में 10-12 सीसी ज़्यादा है सुजुकी के मुकाबले। पावर भी यहाँ पर 104 एचपी बना रहा है और टॉर्क है इसका 138 एनएम का, उसके अलावा कोई डिफरेंसेस और नहीं है। यहाँ पर बैटरी आप देखेंगे, इतना एयर फिल्टर देखेंगे, नीचे आपको कवरिंग नहीं ओपन मिलेगा, और साथ ही ये चीज़ आप ऑल इन ऑल देख सकते हैं सही है। मतलब रिफाइनमेंट वाइज भी 16 KMPL का माइलेज यहाँ पर ये गाड़ी के साथ क्लेम कर रहे हैं। और एक नज़र देख लीजिए सेकंड रो सीटिंग में, तो यहाँ पर आपको बेसिक प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच मिलेगा। सीटिंग में आपको बीच में तीन लोगों के बैठने की स्पेस है। मैंने ना इसका 7 सीटर वर्जन ही ज़्यादा देखा है, 6 सीटर का ऑप्शन मुझे कभी मिला नहीं दिखाने को। और रूफ में देखेंगे यहाँ पर एसी वेंट के सारे ऑप्शन इस प्रकार दिखेंगे, लाइट के सारे ऑप्शन है, ब्लोअर के सारे कंट्रोल है। बैठ के देखते हैं, बीच में नहीं टनल देख पा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें ना नीचे आपको यहाँ पर स्लाइड करने का ऑप्शन मिलता है, तो इतना स्लाइड करके आप इसको आगे पीछे ला के इतना पीछे भी रह सकते हैं। और अपना जल्दी से हेडरूम शोल्डरूम दिखा के इतना स्पेस बचता है, साथ में ही तीन लोग और आएंगे इसमें। अगर ये गाड़ी इंडिया में आए तो टैक्सी में भी पास हो जाएगी, क्योंकि टोयोटा कभी भी प्रैक्टिकलिटी में फेल नहीं होता है। बाकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 10.5 लाख रुपये में आपको एक्सेसरी दिख जाती है, ये गाड़ी आपको 12 लाख 13 लाख के आसपास ही दिखेगी, क्योंकि महंगी गाड़ी है, प्लेटफॉर्म थोड़ा महंगा है, हेडरूम शोल्डरूम में कोई कमी नहीं। एक जल्दी से नज़र आपको दिखा देता हूँ इसकी भैया थर्ड रो, बाकी वीडियोस बनाते रहेंगे। इस साइड से जाना है पॉसिबल क्या? देखते हैं, इस साइड से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमें करना क्या है कि इन सीटों को आगे की ओर स्लाइड करना है। ये ना टॉपल नहीं होती है, ये सुजुकी के साथ भी थोड़ी कमी है और यहाँ टोयोटा भी वही कर रही है। पीछे दो लोगों के बैठने की इतनी स्पेसिंग है, हेडरूम इतना दिया जाएगा, बाकी जो बीच में पैसेंजर है उसके लिए भी आपको 3 पॉइंट की सीट बेल्ट यहाँ ऑफर की गई है। और ये कुछ आप देखेंगे पीछे का स्पेस चढ़ने उतरने के लिए, इतना स्पेसिंग यहाँ से इनने बनाई है आपके सामने, जो कि इस प्रकार दिखेगी। आप चलते हैं गाड़ी के थर्ड रो सीटिंग की ओर। बैठ चुके हैं हम थर्ड रो सीटिंग में, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा अगर वो वाला ऑप्शन मिलता जो किया यूज़ करती है, हुंडा यूज़ करती है, टॉपल हो जाए तो और अच्छा था। डैशबोर्ड इस प्रकार दिखेगा, ऊपर लाइटिंग सेटअप है, पीछे कोई भी एसी वेंट नहीं है, तो ये ही सारे जो एसी वेंट है आपको मिलजुल के इस्तेमाल करने होंगे। और साथ में यहाँ पर अगर आप मेरा हेडरूम शोल्डरूम देखें तो स्पेस की कमी तो इसमें नहीं है। अब देखिए कल हमने स्टार गेजर भी देखी थी, तो लगभग दोनों गाड़ियाँ सिमिलर हैं। आर्टिका XL6 के मुकाबले ज़्यादा स्पेस है इन गाड़ियों में। और पीछे आपको ये जो सीटें मिलती है हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ है, पीछे से अपना बूट भी एक्सेस हो जाता है इन चीज़ों में। और मेन चीज़ है कि भैया इस सीट को आप पीछे को लाना है तो आगे वाला बंदा खुद ही लाएगा, और इधर अगर मैं बैठ जाऊँ तो ये सीटें मैंने पूरी पीछे की ओर की हुई थी, तो उस हिसाब से मेरी हाइट जैसे 6 फीट की है, तो बिल्कुल मामला ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो यही है कि किसी गाड़ी में स्पेस मिल जाता है। कारेंस में थोड़ा स्पेस दिखा मुझे, स्टार गेजर में भी दिखा, इस गाड़ी में थोड़ा कम स्पेस है थर्ड रो में, लेकिन फिर भी ऑल एंड ऑल प्रैक्टिकलिटी वाइज, ग्राउंड क्लियरेंस वाइज गाड़ी पास होती है। टोयोटा की रिलायबिलिटी है और चीज़ें हैं, और साथ ही ये इतना कुछ स्पेस, एक क्वार्टर पैनल का ग्लास, हेडरूम में जो यहाँ पर लाइनर है थोड़ा सा हार्ड यूज़ किया गया है, तो ये चीज़ है। बाकी बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसके लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट का इंतजाम किया गया है, एक चार्जर का सॉकेट यहाँ रखा गया है। बाकी आप मुझे बताइए कि आप इस गाड़ी को 12-13 लाख रुपये बेस मॉडल में लेना पसंद करेंगे, क्योंकि जब ये गाड़ी आएगी इसी रेट के आसपास आने वाली है, जहाँ पर सेम जो अर्टिगा है 11 लाख रुपये के रेंज में इस गाड़ी से 2 लाख कम की प्राइसिंग में आपको सेम फीचर सेम सब कुछ दे देगी। अब यहाँ पर टोयोटा के कुछ प्लान्स मारुति के सामने भी हो सकते हैं कि हम आपकी गाड़ी को रीबैच करेंगे, लेकिन अभी ये गाड़ी का मुकाबला बड़ा मुश्किल है भाई। बड़ी सही सी गाड़ी है, एक प्रीमियम अपील है और एक ब्रांड वैल्यू जुड़ी है, और एक लग रहा है कि एक प्रीमियम गाड़ी आप चलाएंगे, जैसे इनोवा में आपको फील होता है, तो वही है। इंजन हमने देख लिया, सब कुछ हमने देख लिया, और ग्राउंड क्लियरेंस का फिगर आपके ही सामने है। कुछ आप देख रहे हैं एम्बियंट लाइट्स, तो एम्बियंट लाइट भी गाड़ी के अंदर आती है, तो ये चीज़ भी आपके सामने रही। और ये रही फिर आपकी ऑल न्यू
टोयोटा वेलोस और अपडेट ले आऊँगा। एक ऐसे ही इनने दिखाया था कि भाई नया कुछ आया हुआ है, प्लैटिनियम वाइट पॉल कलर ऑप्शन है, इसका रेड शेड मैंने कवर किया है, वो आपको अलग वीडियो मिलेगी। बाकी ये चीज़ आप देख ही रहे किस हिसाब से आपको ऑल बॉडी कलर मिलेगा, और ये आपने सब कुछ देखा फिर प्रैक्टिकलिटी में सोच समझ के सब कुछ बनाया गया है। लेकिन वो ये कि प्राइसिंग और टोयोटा क्या इसको लॉन्च करेगा इंडिया में, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। आप मुझे बताइए आपको गाड़ी कैसी लगी। मिलता है इसके और नई वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। बाकी जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस गाड़ी को रैंक करना है, कमेंट्स में बताइए आपको गाड़ी कैसी लगी। अगर बिल्कुल पसंद नहीं आई तो 0 नंबर देना, बहुत पसंद आई तो 10 नंबर देना, और बताना भी कि गाड़ी में क्या कमियां रह गई और क्या टोयोटा को सुधार करनी चाहिए अपनी शानदार गाड़ी के साथ। बाकी गाड़ी है आपके सामने, उम्मीद है कि पसंद ही आई होगी, और अलॉय है 17 इंच के, इंडिया में आएंगे तो 15-16 इंच के हो जाएंगे। गाड़ी के फ्रंट का लुक पहचाना जाता है, जो कर्ट्स क्रीजेस एंगुलर डिज़ाइन है वही इसको अलग बनाता है, और कहीं ना कहीं इनोवा वाली पूरी पूरी फील इस गाड़ी के अंदर भरी हुई है। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।